ओके रेडी हो गए हम, 6:15 बज रहे हैं। नीचे एंट्री करनी होगी वापसी की, चलो भैया। और फिर चलिए, नमस्कार और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर जी। बुकडियार से हम लोग निकल पड़े हैं, 6:15 बज रहे हैं। नीचे थोड़ा एंट्री होगा, 15 मिनट और लगेगा। आज 27 तारीख है, हमारा 10वां दिन है और ये हमारा लास्ट जंगल का सबसे लास्ट ट्रेल है ये। बीच में फ़ोन बंद हो गया था मेरा, कैमरा बंद हो गया, बुकडियार के बाद तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर आज हमारा चलना थोड़ा तेज़ हो गया, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। बस अब ये लास्ट जंगल वाला है जो कीचड़ वाला रोड था। आज कीचड़ कम है, मतलब है ही नहीं, गीला है बट कीचड़ नहीं है, क्योंकि शायद कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो चलने में मुश्किल नहीं हो रहा है, सही है चलने में। फर्स्ट डे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी और आज हमारा लास्ट डे है ट्रैक का। आज 10वां दिन है, 18 तारीख को हम लोग निकले थे और आज 27 है। बस थोड़ा ऊपर नीचे चलना पड़ रहा है। आज हम मुंशारी पहुंच जाएंगे आई थिंक लंच टाइम तक। नीचे गाड़ी का वेट करना पड़ेगा, कोई गाड़ी आ रही होगी। तो अभी भी जंगलों में ही चल रहे हैं हम लोग, धूप नहीं लग रही है तो ठीक लग रहा है चलने में, लेकिन रास्ता ऐसे ही है। बीच बीच में बहुत ही खराब रास्ता है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमें जंगल में चलते चलते। और झुको नीचे, अब तो सीधे ही लुढ़क जाएंगे। हाँ और झुको, डेढ़ घंटे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उतरना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इधर आ जाना, इधर
अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब आप लोग तो एक्सपर्ट हो। थोड़ा सा और रह गया नीचे रोड। फाइनली हम लोग रोड पर पहुंच चुके हैं। दिमाग खराब हो गया। चलते चलते दिख भी जाए तो अब तभी जाएगा जब रोड बन जाएगी। दिख भी जाएगा 20 किलो कम से कम 20 किलो कम करना पड़ेगा बिफोर द नेक्स्ट ट्रिप। जय माता दी। 100 किलो वजन वाला एक नहीं होगा शायद। तो कैसा रहा उतरना? बहुत बढ़िया। बढ़िया मुश्किल सबसे मुश्किल था ये उतरना पूरे ट्रिप में। अबे जूते को डिस्कार्ड करने वाली हूँ। तंग आ गई। अब देखो ये जूता निकाल देना। हाँ फीता निकाल के मैं उसको काजू को बांधने वाली। इसने अपना काम पूरा हो गया। इस जूते का काम पूरे अच्छे से किया उसने। अब इस लेस से लेस अच्छे हैं। अभी भी कालू को बांधा जाएगा और कालू को मुंशारी ले जाया जाएगा। और ये शूज का हाल देख लो जरा। ये जूतों का हाल है अभी। हाँ यार ये वुडलैंड वाला जूता कभी मत खरीदना। ये सेकंड ट्रैक में ये वुडलैंड के जूते का ये हाल है। अरे वो ऊपर ये हालत है। ऐसे बांध बांध के ले गए थे जूते को पर ये पूरा ट्रैक इसने कंप्लीट कर लिया। अंदर से एकदम ड्राई था इसीलिए मैंने इसको बचा के रखा था। सोल निकल गया बट अंदर से ठीक ही है। दूसरा शूज पहन लिया और ये जो हमने पूरा ट्रेल था जंगल वाला कीचड़ वाला हमको पूरे 2 घंटे लग गए इसमें। बुला तो रहे थे ऊपर। हाँ आया नहीं है फिर पता नहीं कालू है। अंडा कालू मिल गया फिर से। हड्डियाँ बहुत ज्यादा दोबारा। एक बार मैं आगे जाने की सोच रहा था उधर खाना खाने के लिए। मैं इसके चक्कर में नहीं गया। फिर मैंने कहा मेरे साथ नहीं दूसरा कहीं बदल नहीं जाएगा। थक गया वो भी शायद ना थका हुआ लग रहा। चलो फाइनली हम सारे जो कहाँ पे थे हम बुगडियार में एक साथ रुके थे रात को। और एक जय माता दी। कालू भी कालू का चाचा। और हम सब अब एक गाड़ी में जा रहे हैं मुंशियारी। बाय बाय मिलेंगे फिर। ये वाला हाँ ये वाला मेरा अच्छा। दुकान है कुत्ते पूछ ला रहा हूँ। आएंगे अभी तो नहाएंगे धोएंगे। ये जो ट्रैक था ये पूरा हो चुका है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। खट्टा मीठा। हर साल आने वाला तो नहीं है। अब अगले बार रोड के बाद आएंगे। हाँ, जब रोड पूरी बन जाएगी तब। 2 साल के बाद जितना भी रोड होता है अगले साल तो नहीं। ऐसे पैदल नहीं चलेंगे ना। वहाँ से चलेंगे पैदल। लास्ट बहुत ज्यादा हमारा पैदल हो गया। मालूम नहीं था कि इतना चलना पड़ेगा। करीब 100 तो कर लिया हमने बोथ वेज। 100 किलोमीटर। हाँ हाँ कोई टीम ज्वाइन कराना। हाँ हाँ कर तू कर की बात तो ठीक है। ऐसी हमारे रुकने से तो करोड़पति यहाँ 1-1 लाख भेज देना तीनों को।